श्री मुक्तसर साहब सरकारी अस्पताल च सवेरे 9 तो 11 बजे तक ओपीडी बंद रखी गई। इस मौके पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ओपीडी के सामने इंतजार कर लगे डॉक्टरों की कई मंगा से, जिसके कारण ओपीडी 3 दिन लिए सवेरे 9 तो 11 बजे तक बंद रहेगी। राहुल जिंदल ने कहा कि अस्पताल डॉक्टरों के नाल हो रही घटनावान लेकर सरकारी अस्पताल च सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए है और कई मंगा जिन्होंने पूरा किया जाना चाहिए। सरकार वल साडियां कुछ मंगा सीगियां पीसीएमएस डॉक्टर दी एसोसीएशन दी, वो मंगा उन्होंने ध्यान च लिया गई हैं। उस दे संबंध में ही 11 बजे तक ओपीडी बंद है। 9 तो 12 तरीक तक जो सानू एसोसीएशन की कॉल आई है उपरों कि 9 तरीक तो लैके 12 तरीक तक तो 11 बजे तक बंद रहनगियां। उस तो बाद जिवें वो डिसाइड करनगे कि पूरी बंद रखनी है या आपां इहनूं ओपन करना है उतनों उस टाइम दस दिता जाऊगा। मंग तो साड़ी यही है कि सिक्योरिटी परपज है। देखो कोलकाता एड्डा कांड होया, सिक्योरिटी परपज लिए असी वरिड हाँ। हर रोज़ ही कितना कितने इंसीडेंट्स होंदा रहिंदा है। साढ़े मुक्तसर च भी 1-2 इंसीडेंट्स हो चुके ने रात वेले साडे डॉक्टर नाल, होर जगह ते भी नवा शहर च भी हुणी इंसीडेंट्स होके हटे है, कपूरथले होया, इसलिए असीं थोड़े वरिड हाँ। पर सरकार इस वल ध्यान दे रही है, जल्दी ही वो भी इस पर निश्चित सानू कर देगी कि सानू सिक्योरिटी मिले। गल तो सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं 2 बारी सरकार नाल, वो भी आपदे वल्लों कोशिश कर रही है साडियां मंगां पूरियां करन दी। साडा ये भी है कि साडा ACP जिहड़ा 14 साल रोकिया गया है सरकार वल्लों, पिछली सरकार वल्लों, पर साडी वो भी मंग हैगी है क्योंकि दूजे स्टेटां दे विच वो मंग पूरी की जा चुकी है। इस करके थोड़ी स्ट्राइक चल रही है। बाकी एमरजेंसी सेवाएं सारी चल रही हैं, सर्जरी चल रही है, बाकी सब कुछ चल रहा है, सिर्फ 11 बजे तक ओपीडी बंद है डॉक्टर वालों।